जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। ओ भाई क्या बदतमीजी है, क्या हो रही है? ओ सलाम चाचा जी, बेटी की बारात आई है। ये क्या तरीका है? ओ चाचा जी, मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यही लगा। ओए परमिट ला। ओ हेलो सर। ओ देख चाचा जी, तुझे सही तरीका तो और कोई समझ आने वाला नहीं, तो मैंने सोचा कि यही तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है। देख नैया, जेल में लेके आने के बावजूद भी तेरे दिमाग से बदमाशी का भूत नहीं निकला है ना? अबे चाचा जी, क्यों बिला वजह में बेमौत मरना चाहता है? एक बात बता, मुझसे अच्छा दामाद तुझे कोई मिलेगा? बोल ना, वे क्या बुराई है मुझमें? एक बात बता, तेरे में इतनी बुराइयां हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। चल तू मुझे एक अच्छाई गिन के बता दे, चल। और देख चाचा, सब क्या हो रहा है ये? हैं? क्या हो रहा है ये? अबे चाचा पहलवान, शादी कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? मासूम खामोशी से निकल ले यहाँ से, मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस को बुला के मैं खुद तेरे खिलाफ गवाही दूंगा। ओ चाचा पहलवान, ये मेरा और इसका मामला है, तो बीच में मत बोल, चल। मैं मासूम, मैं बीच में आ गया हूँ, और अब तुझसे कह रहा हूँ बिला भैया का दंगा फसाद मत कर। अबे महीना भर नहीं हुआ तुझे जेल से निकले हुए, फिर जाएगा क्या अंदर? ओ पहलवान, इतनी गर्मी मुझे मत दिखा, कि तेरी गर्मी उस वक्त कहाँ होती है जब मोहल्ले में बेगैरती बेहयाई हो रही होती है, और इसकी बेटी। बकवास बंद कर, चल यहाँ से, दबो जा, चल निकल यहाँ से। अबे चाचा बोल ले आऊं, अबे जा बोल ले आ तू, चल यहाँ से, निकल, चल निकल, निकल यहाँ से, चल, और चल निकल, देख लूंगा तू, चल, छोड़ दे, ओ जा रहे हो, जा रहे हो, अबे चल निकल यहाँ से, निकल यार, अबे निकल। लेकिन चाचा एक बात सुन ले, हाँ, लेकिन वापस आऊंगा, और सुन ले कादिर चाचा, शादी तो मैं तन्नो के साथ ही करके दिखाऊंगा। निकल यहाँ से, चल, बस बस बस, अबे तू शादी वाला आ गया, अबे देख, अबे बस रहने दे, अबे छोड़ दे, छोड़, अरे छोड़ कादिर, अबे छोड़ इसको, दबा हो जा, अबे चल चल इधर। मोहसिन? यस मिस। हारिस? यस मिस। अना? यस मिस। महवेश? यस मिस। प्रेमशा? यस मिस। मरियम? यस मिस। किरण? नहीं आई मिस। किरण नहीं आई, क्यों, आज वो एब्सेंट क्यों है? उसकी बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई? किसने की उनकी बात पक्की? उसके अब्बा ने। अरे वो तो अभी बहुत छोटी है। उसके अब्बा ने यहाँ पे पढ़ने को भी मना करा है। उफ मेरे खुदा। अच्छा आप में से किसी को किरण का घर पता है? मैंने देखा। आपने देखा है? ठीक है, छुट्टी के बाद आप मुझे उसके घर पे लेके चलिएगा। मिस, मैं उसके फादर से बात करती हूँ। छोटी सी बच्ची की बात पक्की कर दी। ओके बेटा, उर्दू की बुक्स निकालिए सारे, और जो कल राइटिंग करने के लिए दी थी वो की? यस मिस। आप उठिए और सबकी कॉपियां जमा करके मुझे दीजिए। चले शाबाश। लो आ गया। देखो बिब्बो खानम, तुम्हें तो मालूम है मेरा काम ही कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में इधर से उधर पहुंच जाता हूँ, और किसी को शक भी नहीं होता कि कब आया और कब गया। ये लो पैसे और ये लो पता, और फीदा शीदा गुद्दो शुद्दो को तो तुम जानते ही हो, उनके बारे में मुझे सारी हल पट की एक खबर चाहिए, कहाँ जाते, क्या करते, क्या नहीं करते, किन से मिलते, किन से नहीं मिलते। बस समझो हो गया, और कुछ? तू बस ये काम कर दे, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। वाकई? तो चलो अब की बार पक्की मुखबरी के साथ आऊंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। लेकिन अब्बा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, उसकी जरूरत कैसे हुई? तनु बिटिया क्या फायदा जीतर, चल साबर। तनु बिटिया क्या फायदा, तू स्कूल में थी, खामा का तमाशा बन जाना था। अब्बा तमाशा तो वो बना रहा है, मुझे लगता है उसके उसको आज़ादी रास नहीं है, जेल में रहता तो ज़्यादा अच्छा था। अरे चल छोड़, दफा कर इसको। अब्बा कैसे छोड़ दें, अगर हम चुप रहे तो उसे ज्यादा शय मिलेगी, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। मेरी बच्ची बस कर दे, देख सीधी सी बात हो गए, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना तो चीते खुद पे भी आवेंगे। लेकिन जो वो गिरी हुई हरकतें कर रहा है
उसकी कंप्लेन तो हमें पुलिस में करनी चाहिए ना अब्बा। तन्नू बिटिया बस कर दे, वो नहीं है अपना क्या पहलवान, वो भी आया था, उसने भी उसको काफी बुरा भला कहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत करेगा नहीं। बहुत ढीठ है अब्बा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मेरी बच्ची बस गुस्सा थूक दे, रेंद दे, थकी आ रही आई है, जा जाके खाना खा ले। खा लूंगी अब्बा, तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। चल कोई बात नहीं, जा रहा जा खाना खा ले। आप किरण की मदर हैं जी? देखें आप लोग किरण के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, वो बच्ची बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि वो आगे पढ़े, पर उसका बाप नहीं चाहता। मगर फिर मसला क्या है उन्हें? वही जो हर मर्द को होता है, पढ़ लिख जाएगी तो बात नहीं सुनेगी, बरादरी वाले थूथू करेंगे। कितने अफसोस की बात है, कम से कम आप ही उन्हें समझाइए ना, आप भी तो माँ हैं उसकी। समझाया था उसे, जालिमों की तरह मारा, नील डाल दिए मेरे जिस्म पे, पूरी रात रोती रही, पलट के देखा तक नहीं उसने मुझे। कितनी घटिया हरकत है, वो आप पर तशद्दुद कर रहा है, आपको मार रहा है, जबकि आपका कोई कसूर भी नहीं है, और ख़ानदान में जिल्लत की बात करता है। औरत पर हाथ उठाना कितनी घटिया हरकत है, वो जानते हैं इस बात को? कहाँ है वो, मुझे बताएं, मैं बात नहीं, कर नहीं नहीं, नहीं अभी घर पे नहीं है, वो देर से आएगा। ठीक है, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, लेकिन आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो बेटा आओ, आ जाओ। कादिर, कुछ काम शुरू हुआ? ताजी अल्लाह का शुक्र है, सब जानते हैं, जिस कने भी गया मायूसी नहीं हुई, बस थोड़ा सा काम मिला है। चल अल्लाह का शुक्र है, मेरा कादिर तो बहुत मेहनती है, इंशाल्लाह ताला कादिर तू देखियो, तू फिर से मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, काम जमा लेगा इंसान। वैसे 10 साल पीछे चला गया, अब सारा काम नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। पर देखना, जब वो पुराना वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह ताला ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, है ना? और मेरा कादिर तो कभी मायूस ना हुए, तू बस अपनी सी मेहनत किए जा, फिर देखियो अल्लाह कैसे भाग लगाएगा। इंसान देख ताजी, मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन अब मुझ में वो दम कम नहीं रहा। के तो तू सही रहा, पर जब तक जिंदगी रहे है ना, बस इंसान की मेहनत मजदूरी जारी रहे, है ना? मायूस ना हो कादिर, इंशाल्लाह हम देखियो फिर पहले की तरह खुशियों के साथ वक्त गुजारेंगे, हमारी अपनी लॉन्ड्री होवेगी, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल, तेरी दुआएं भी तो साथ है। बस अपनी सेहत का ख्याल रखियो, ठीक है ना? और मायूस ना होइयो, मायूसी कुफर है। ठीक। क्या हो गया है, इतनी मिर्चें डाल दिया है तुमने, पानी पकड़ो मेरे को। वो हकीम साहब, वो मैं एक बात सोच रही थी। क्या है? वो ये कि वो तनवीर फातिमा ने स्कूल खोला है ना, तो हम अपनी कुलसुम का दाखिल करा दें स्कूल में। चटिया गई है क्या, अकल के नाखून ले, वो पढ़ लिख जाएंगी ना और पागल हो जाएंगी, पहले ही सारा दिन लड़का बन के फिरती है वो। पढ़ाई से अकल शऊर बढ़ता है। हाँ बस मैंने जो कह दिया तो कह दिया कि वो कल से स्कूल जाएगी। तो ठीक है, लेकिन 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 क्या बोले? उसको बुरके में भेजना है। अल्लाह। हद होती है जहालत की, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन हुआ क्या है? मैं वो पड़ोस में घर है ना, बल्कि वो किरण जो बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है उसके घर गई थी। हाँ हाँ, वो बच्ची 2 दिन से आ भी नहीं रही है, बहुत ज़हीन वो, लेकिन हुआ क्या है? यही पूछने गई थी कि वो एब्सेंट क्यों है, पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है, और वो भी एक 40 साल मर्द से। शादी मतलब उसकी माँ, उसकी माँ ने कुछ नहीं किया? वो तो सारी उम्र से उसके जुल्म का शिकार है, और जानवरों की तरह मारता है उसे वो।
न जाने कब तक हमारे माशरे में ये सब चलता रहेगा, ये जुल्म चलता रहेगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो माँ बेटियाँ उस माहौल में रहती कैसे। शायद मुझे सोच कर घुटन महसूस हो रही है। ये तो एक केस हमारे सामने आया है, ना जाने रोज़ कितने बच्चे औरतें इसी जुल्म का शिकार होते हैं, इन हालात को फेस करते हैं। खैर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, उस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं होने दूँगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं उसके बाप से बात करूँगी। देखिए मसला ये है कि उसका बाप नहायत ही बदतमीज़ आदमी है, वो कभी भी कुछ भी कह देता है, कुछ भी मसला हो सकता है। जो भी हो, लेकिन मेरे होते हुए इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म ये नहीं हो सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलूँ आपके साथ। नहीं, मुझे पहले ये मामला अकेले हैंडल करने दें, कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप मेरे साथ चलेगा। चले आए, क्लास शुरू होने वाली, आ जाइए। चलिए जी, आपने मुझे बुलाया। जी सलाम अलैकुम, आइए बैठिए। जी बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी किरण को आगे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लड़कियाँ घर के कामकाज में तवज्जो दें उनके लिए बहुत है। वैसे भी पढ़ लिख के क्या कर लेना है उन्होंने? ज़रूरी है कि हम वही गलतियाँ दोहराएँ जो पहले हमारे बुज़ुर्गों ने की हैं। इसमें गलत क्या है? देखें आप आज के दौर की बात कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ काम कर रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं। नहीं जी, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों में फ़र्क है। लड़कियाँ अगर लड़कों का मुकाबला करने लगे ना तो बेड़ा गरक होकर रह जाएगा। हमारे यहाँ से आपका क्या मतलब है? आप मजहब और कानून की बात कर रहे हैं। आपको पता है इस्लाम में लड़कियों को लड़कों से कोई कमतर दर्जा नहीं दिया गया है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या बहन हो। कई जगहों पर तो औरत की कदर मंजिलत भी बताई गई है और तालीम का हुसूल दोनों के लिए यकसा है। फिर आपने कहाँ से पढ़ लिया कि लड़कियों पर तालीम की पाबंदी है? देखिए बाबर साहब, आपकी बेटी किरण पढ़ना चाहती है और आपको पता है तालीम और तरबियत से कितना शऊर पैदा होता है। खुदा ना खास्ता कल को उसके साथ कोई बुरा सलूक हो, कोई कुछ भी बुरा हो सकता है, तो वो कम अज़ कम अपने पैरों पर खड़ी तो हो सकती है ना। आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उसको कुछ अरसे के लिए स्कूल में दाखिल रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और बात है तो फिर उसे बेशक स्कूल से उठा लीजिएगा। आप बाप हैं उसके, मैं समझती हूँ आप उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं और आप जो उसके बारे में फ़ैसला करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप मेरी बात पर भी ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। मैं कल सुबह तक किरण का इंतज़ार करूँगी और आपके फ़ैसले का भी। अरे भाई एक मिनट। हाँ कौन गया पता नहीं। हाँ बोलो क्या बात है। मेरा ताल्लुक महकमा मरदमशुमारी से है। अच्छा तो ये मेरा कार्ड। अच्छा फिर आपको मुझे ये बताना होगा कि आपके घर में 18 साल से बड़ा कौन है और कौन कम है, और आपको ये भी बताना होगा कि आपके घर में कौन कौन रहता है वगैरह वगैरह। वो ना जी, असल में आपने ना 18 साल का की दिया ना, तो 18 साल की तो इस वक्त मैं ही चल रही हूँ, और मेरे से जो छोटा है ना वो हमारा भाई है निम्मो। बाकी सारे लोगों की जो है ना उम्रें निकल चुकी हैं इस घर में भाई। ठीक है, मैं आपसे बारी बारी सवाल करता हूँ, आप मुझे उनके जवाब दे दें। जी जी बोलिए। तो आप ये बताइए कि आपके घर में टोटल कितने लोग हैं? हमारे घर के अंदर ना वैसे तो 8-10 लोग हैं जो नॉर्मल हैं, हाँ गुड्डों को मिला के 15 लोग हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि मर्द कितने हैं और ख़वातीन कितनी हैं? अब अजी वो हमारे घर में ना 3 तो मर्द हैं, यानी फ़ीदा, शीदा और कादिर बख्श, और औरतें जो है ना वो ताजी भाभी, तन्नो, गुड्डो और मैं प्यारी सी छुट्टो, और निम्मो तो 6.5 में ही आता है ना, जैसे अगर हम 6 हैं तो वो 6.5 हो गए हमारे घर में लोग। अच्छा ये बताइए घर में मर्द कितने होते हैं और कितने बाहर, और किस किस वक्त?
भाई जी मर्दों का ना वो ये है कि उनका कोई टीम तो है नहीं, मगर फिर भी जो है ना शीदा फीदा वो तो सवेरे ही निकल लेती काम पे। हाँ जो कादिर भाई है ना वो बेचारे आजकल घर में ही काम काज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ मुझे दे सकेंगे आप प्लीज? भाई देखो इस वक्त तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं ही इस वक्त खूबसूरत दोशीजा चल रही हूँ, और वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो ईमान से मेरे को ना। तुमने आने ना घर में चाय वाय पीनी है कुछ है? जरूर। अच्छा तो छप्पर में बुलाऊंगी तुमको मैं, अभी तो घर के अंदर सारे लोग मौजूद है ना। वो खाना लगा दो। अरे खाना वाना तो होता रहेगा, इधर आ बैठ, मेरी बात तो सुन। बैठ जा बैठ जा, कल से किरण को स्कूल भेज दियो। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। और वो उसकी शादी वाली बात? अरे वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जो अपनी बेटी को जहन्नम में झोंकने लगा था। उसकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने के दिन है, पढ़ लिख ले कुछ बन जाए तो शादी भी अभी होती रहेगी। मैं किरण को बताऊंगी ना वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ हाँ बोल, कहाँ किरण? किरण बेटा किरण, मैं तो खुशी से कहाँ, देख इधर देख उसको। अच्छा अच्छा यही घर है इसका, यही घर है जहाँ ये दोनों चुड़ैले रहती है, जाके उस दोनों कमबख्तों को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। कादिर बख्श, जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में।